हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, एक मैं वीडियो रिकॉर्ड करके और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात को हमने एक करंट अफेयर किया था, बिहार करंट अफेयर, जो कि स्पीडी पब्लिकेशन से, थंबनेल पे भी लिखा हुआ है कि ये स्पीडी पब्लिकेशन से करवाया जा रहा है, क्योंकि हम जहाँ से करवा रहे हैं उनको क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है। तो स्पीडी पब्लिकेशन की एक अभी हाल ही में बुक आई है, बिहार करंट अफेयर 2024 की। तो इसमें हमें जो अच्छा लगा, और स्पीडी से चूंकि बिहार के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, चाहे वो बिहार करंट अफेयर हो या जो भी करंट अफेयर हो, तो मुझे लगा कि इस बुक से आप लोगों को हमें जो है वो करंट अफेयर करवाना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ टॉपिक वाइज भी करवाऊँगा, कुछ एमसीक्यूज भी करवाऊँगा। तो वार्षिकी करंट अफेयर मैंने कल रात को आप लोगों को करवाया है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि कोई यूट्यूब वाले हैं, अब उनका लग रहा है कि ये मेरा कंटेंट है और मेरे कंटेंट को हर जगह पढ़ाया जा रहा है, और गलत गलत कमेंट जो है वो विद्यार्थियों से अगर करवा रहे हैं या कोई विद्यार्थी कर रहे हैं, तो उन्हीं विद्यार्थियों के लिए मैं एक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई देखिए, ये जो कंटेंट है पूरी तरह से स्पीडी का है, और हमने वहाँ से इनका कंटेंट जो है वो लिया है। थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, हर जगह मैंने स्टार्टिंग में भी बोला है कि मैं स्पीडी से जो है ये पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी और को या किसी यूट्यूब वाले को लगता है कि हमारा कंटेंट है, तो देखिए, मैं यूट्यूब वाले का कंटेंट जो है वो कभी देखता ही नहीं हूँ कि कौन क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। आप अच्छा कीजिए, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन सीधा तौर पे किसी पर ये आरोप लगवा देना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी के लिए ये प्रूफ बना रहा हूँ कि मैंने जो कल 150 क्वेश्चन करवाए हैं वो कहाँ से करवाए हैं, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। तो ये है स्पीडी पब्लिकेशन की बुक, आप लोग जा करके और मार्केट में भी इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये करंट अफेयर की बुक है, और ये सारा कुछ कुछ टॉपिक वाइज भी इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, टॉपिक वाइज भी जनगणना दिया हुआ है, साथ निश्चय योजना दिया हुआ है, हर तरह से जो है वो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और बिहार से संबंधित बहुत ही अच्छा डेटा है। ठीक है, आगामी लक्ष्य दिया हुआ है, सब कुछ है। ठीक है, रिपोर्ट सूचकांक है, देखिए इससे भी अभी हमारा वीडियो आएगा, इससे मैं एमसीक्यूज बना करके लाऊंगा, और ऐप एंड पोर्टल इसका भी एमसीक्यूज बना करके लाऊंगा रिवीजन के लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, और नगर पालिका चुनाव है, बिहार सरकार की नई नीति और विधेयक है, ये है, तो यहाँ से अभी बाकी है। बाकी मैंने कल जो करवाया है आप लोगों को वो ये देखिएगा, यहाँ पर पेज नंबर लिखा हुआ है 64, पेज नंबर 64 आप देखिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर। यहाँ पे जो मैंने टिक कर रखा है और नंबरिंग दे रखा है, एकदम हूबहू वीडियो में वही दिखेगा। मुझे जो बेहतर लगा, क्योंकि 1000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं लास्ट में, तो मुझे जो अच्छा लगा उसमें से मैंने छांट करके और आप लोगों के लिए जो है वो रिवीजन करवाया है। तो ये आप देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन था, हाल ही में बिहार एवं भारत की पहले ट्रांस वुमेन दरोगा कौन बनी है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से स्पीडी का कंटेंट है। यहाँ पर देखिए, पूरा का पूरा नंबरिंग किया हुआ है, आप लोग वीडियो में भी जा करके मिला सकते हैं कि कहाँ से जो है वो वीडियो जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ये तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि एक बार थोड़ा सा, चाहे विद्यार्थी क्या समझ रहे हों या क्या समझ करके कमेंट करते हैं बिना सोचे समझे, तो वो भी एक बार थोड़ा देख लें कि क्या है नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोग जिस चैनल की या जहां की बात कर रहे हैं, मैं उनको जानता तक नहीं हूं कि क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, इतना हमारे पास समय कहाँ है कि आपको देखें क्या करें, है ना। तो ये देखिए, पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो हमने किस प्रकार से छांटा है इसमें से आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा टिक किया हुआ, नंबरिंग किया हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, और नंबरिंग आप वीडियो में भी मिला सकते हैं, एकदम ऐसा ही आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने जो है आप लोगों को 150 नंबर तक यहाँ तक जो है वो करवाया है कल, तो आप लोग भी एक बार जा करके और देख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और बाकी आरोप प्रत्यारोप जो है लगाने से पहले एक दो बार सोच लेना चाहिए। और मैं इस बुक का कंटेंट, या मैं अभी घटना चक्र का कंटेंट लेकर के आया था, या जिस भी बुक का लेकर के आऊँगा, तो मैं वहाँ पर उनको क्रेडिट दूंगा कि भाई इस बुक से मैं कंटेंट जो है वो लेकर के आ रहा हूँ, इस बुक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा सोच समझ करके कमेंट करें, थोड़ा सा सोचे समझे इसके बाद जो है कमेंट करें, या किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएं। सो बस यही कहना था।